अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन पोटैटो लॉलीपॉप बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चिकन पोटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली हैं आधा किलो आलू। इन्हें क्यूब्स में काट कर उबाल लिया है। इसमें आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, एक चाय का चम्मच चाट मसाला, एक चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक चौथाई चाय का चम्मच नमक और दो खाने के चम्मच मेयोनीज डालें। और अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक पैन में एक गिलास पानी डालें। मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इनका छोटा छोटा साइज रखें। अब इसके अंदर दो खाने के चम्मच टिक्का मसाला, एक खाने का चम्मच कुटी काली मिर्च, एक खाने का चम्मच पिसी हरी मिर्चें और एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर दम पर रख दें। हमने चिकन गलाना है और पानी खुश करना है। ढक्कन उठाएं। आप देख सकते हैं कि चिकन गल चुका है। मगर अभी भी इसमें पानी है। हम इसे तेज़ आंच करके खुश कर लेंगे। अब इस चिकन को ठंडा करके चॉप कर लें। आप चॉपर राइस भी कर सकते हैं। अब आलू का जो मिक्सचर बनाया था इसमें चॉप किया हुआ चिकन डाल दें। इन्हें हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये यकजान हो जाएं। मटेरियल बिल्कुल तैयार है। लॉलीपॉप बनाने के लिए अपने हाथ पर मटेरियल लें, इसे फ्लैट कर लें। अब इस पर एक आइसक्रीम स्टिक रखें। इन आइसक्रीम स्टिक को मैंने कुछ देर पानी में भिगो के रखा था। अब इस स्टिक के गिर्द एक लॉलीपॉप बना लें। लॉलीपॉप बनाने के बाद इसे अंडे में अच्छी तरह डिप कर लें। लॉलीपॉप अंडे में अच्छी तरह कोट होना चाहिए। इसे अंडे से उठाकर ब्रेड क्रम्स में डालें। ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छी तरह कोट कर लें। और अब ये बिल्कुल तैयार है। इस मटेरियल के 7 लॉलीपॉप बने हैं। आप इसका मटेरियल फ्रीज नहीं कर सकते। अब इन्हें तेज़ गर्म ऑयल में डीप फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके लॉलीपॉप टूट जाएंगे। इन पर कलर आने के बाद इन्हें निकाल लें और मज़ेदार चिकन पोटैटो लॉलीपॉप बिल्कुल तैयार हैं। आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे और मेरी वालदा को दुआओं में याद रखें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।